नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के बारे में। हम बात करेंगे पंचायत चुनाव से जुड़े हुए एक नए और बड़े अपडेट के बारे में। यह अपडेट जो है एक तरह से कहले सांसद, मंत्री और विधायकों से जुड़ा हुआ है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पंचायतों का पारा जो है वह गर्माने लगा है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी करता रहा है और कर भी रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ताजा निर्देश जारी करते हुए मतदान के दिन किसी भी मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षदों को मतदान होने वाले पंचायतों के दौरे पर रोक लगा दी है। आयोग की तरफ से जारी निर्देश में सरकारी कार्यक्रम के तहत वे सिर्फ शहरी क्षेत्रों या फिर क्षेत्रीय सरकारी कार्यालयों तक ही जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत माननीयों के चुनाव क्षेत्रों में जाने को लेकर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इस दौरान यह भी साफ कर दिया है कि केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रियों की जाने वाली सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा बिल्कुल अलग अलग होगी। दोनों यात्राओं को एक साथ नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यक्रमों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और उसके बाद चुनाव कार्य के लिए स्थानीय दौरे किसी निजी वाहन से करते हों तो वह पूरे दौरे को चुनावी कार्य हेतु माना जाएगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनावी यात्रा के लिए यात्रा एक साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक किसी प्रत्याशी या फिर मतदाता या फिर प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय मतदान केंद्र अथवा मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि वे एक मतदाता के रूप में मतदान करने के लिए जाएंगे। इस दौरान वे सुरक्षा हेतु प्रतिनियुक्त सरकारी सशस्त्र बल का वे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे सशस्त्र बल मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मंत्री, सांसद या फिर विधायक शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में ऐसी कोई तदार्थ नियुक्ति जो कि किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोटों को प्रभावित करे ऐसा नहीं करेंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा मतदान केंद्र पर पहुंचकर दबाव बनाने की शिकायतें मिली है। इन्हीं शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दौरे पर रोक लगा दिया है। यानी कि मंत्री, विधायक और कह लें कि सांसद, इन सबों पे जो है रोक लगाने के पीछे जो राज्य निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया है, इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले पंचायत चुनाव के दौरान इन लोगों ने जो है मतदान केंद्र पर जाकर किसी एक व्यक्ति के प्रति वोट देने के लिए लोगों को दबाव बनाया था, जिसके चलते जो है इस बार सरकारी गाइडलाइन जो है एक तरह से कह लें जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को भेज दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले जनप्रतिनिधियों पर IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे यह तय हो गया कि इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें एक तरह से कह लें कि मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायक ये किसी भी उन मतदान केंद्रों पर नहीं जा सकते हैं या फिर उन्हें जाकर वो किसी तरह से किसी को दबाव नहीं बना सकते हैं जहां पे कि जो है पंचायत चुनाव हो रहा है। लेकिन अगर वो उस पंचायत के मतदाता हैं तो वो उस वहां पे जाएंगे, वो मतदान का इस्तेमाल करेंगे, मतदान करेंगे, लेकिन उनके साथ जो है वो सुरक्षा कर्मी जो होंगे वो सिर्फ बाहर खड़ा रहेंगे और वो अंदर जाके जो है मतदान कर चले आएंगे। उसके बाद फिर वहां पे उनकी किसी तरह की उपस्थिति मान्य नहीं होगी। तो यह राज्य निर्वाचन आयोग का जो है एक तरह से कहने की बड़ा अपडेट सामने आया है। इससे पहले कई तरह की शिकायतें जो है राज्य निर्वाचन आयोग को मिलती रही थी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। तो ये थी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।